आ जावा। ये भेड़ के बच्चे, एक और विकेट हो चुका है दोस्तों। अभी तीन बॉल हो रही है और ये जो व्हाइट शर्ट वाला जो बंदा दिख रहा है बॉलर, तो उसने तीन बॉल में दो विकेट ले लिए हैं। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसा आप सब, आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे और हमेशा ऐसे ही बढ़िया रहना। तो आज के व्लॉग की शुरुआत देख सकते हैं, बिस्तर के अंदर से हो रही है। तो बाहर आ चुकी है आज बर्फ, तो बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंडा हो रहा था। तो अभी टाइम भी 8:30 हो गया, तो मैंने कहा आराम से उठता हूँ। और बाहर मतलब इतना मस्त लग रहा ना आज, इतना मस्त। चलो बाहर ही चल के दिखाता हूँ, बाकी की बातें करते हैं बाहर। मैं भी अब फटाक से उठता हूँ और अभी ना ठंडा हो रहा है, अभी चलते हैं जरा बाहर। तो मैंने अभी जैकेट वैकेट पहन लिया बाहर, पता भयंकर ठंडा हो रहा भाई बाहर, और ये टोपी भी पहन लिया। तो अभी ये बिस्तर करते हैं आराम से फूड और चलो चलते हैं बाहर। बाहर बाहर ये रहा भाई बाहर, तो ये है बाहर का व्यू अभी का, और धूप भी आ चुकी है। और जो ये चौक है आगे का, तो इसमें की जो बर्फ़ आई थी वो तो हल्की फुल्की आई होगी और वो भी पिघल गई, क्योंकि पानी पूनी रहता है ना ऐसे चौक में। और बाकी इधर खेतों में देख सकते हैं, और इधर देखो भाई बर्फ 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 बर्फ, भाई क्या गजब का व्यू लग रहा है। ये इधर देखो भाई क्या खतरनाक लग रहा, और उधर हनुमान मंदिर के नीचे ना कम लग रहा बर्फ, ऐसा लगा आया नहीं होगा उधर, बट पूरा आया था उधर का, हल्का फुल्का पिघल गया ना। तो अभी टाइम भी 9 बज गए हैं, तो इसलिए वो सारी बर्फ़ कहीं कहीं की पिघल गई, वहाँ नीचे तक तो नहीं गई बर्फ़, बट इधर ही तक आई थी बर्फ़, वो नीचे तक यहाँ पे तक, उधर साइड कम गई बर्फ़ साइड, और ऊपर तो मतलब क्या ही लग रहा है गजब। तो दोस्तों आज का जो मौसम है ना, ये मतलब इतना गजब का लग रहा है ना, इधर देख सकते हैं। और अभी हल्की फुल्की धूप भी आ चुकी है, तो मतलब उतना ठंडा बाहर आके नहीं लग रहा, अंदर तो ऐसा लग रहा था कि बाहर कैसे जाएं, बट बाहर आके अभी जो ये धूप आई ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिली है, तो हल्का फुल्का गर्म भी हो ही रहा। तो देखते हैं आज के व्लॉग में और क्या क्या होता है। बर्फ़ तो आ ही चुकी है इस बार, तो इस बार शायद इससे भी ज़्यादा तगड़ी वाली बर्फ़ आएगी अभी, तो फिर भी देखते हैं, अभी वेट करते हैं। ऊपर देखो वहाँ चनाव वैली साइड कितनी भयंकर वाली बर्फ़, और साथ साथ धूप भी आ गई वहाँ। और नीचे जो लास्ट गांव है ना नीचे, मतलब जहाँ से गांव स्टार्ट होता है, तो वहाँ कम बर्फ़ आई हुई है, और ये ऊपर वाले गाँव घर है जो हुआ ऊपर वाले, तो वहाँ तो मतलब कुछ ज़्यादा ही बर्फ़ आ रही है। और हमारे इधर तो आती है हल्की फुल्की, मतलब मीडियम आती है, नीचे कम जाती है जैसे बर्फ, और ऊपर ज़्यादा आती है, तो हमारे इधर मीडियम वाला एरिया। तो अभी बाहर फिर से मौसम खराब हो चुका है, तो अभी संभावना है कि शाम तक मतलब बर्फ आ सकती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आग पे बैठ गए, यहाँ पे दादी लोग, और ये है मेरी दादी और ये है दिव्यांशु की दादी, मतलब दोनों दादी है, और बाकी यहाँ पे बिल्ली कैट और ये राजेश लोगों का कुत्ता, और बाकी चाची अभी बाहर जा रही, चाची भी यहीं पे थी, बाकी शैलेश भाई अभी जा रखे गाय को ऐसे जंगल में छोड़ने, अभी वो चरने जाएंगे ना। तो ये है चाची जी, तो चाची जी अभी खाना बना रही है शायद, ये दे तो कुछ बोलना होता बारे, अभी तो कुछ बोनी थी यार, कुछ भी बोल, कुछ भी बोल, क्या बोल दो, राजी रहो खुशी रहो तन रहो। भाई अभी मैं आया हूँ लकड़ी को, क्योंकि सुबह से भाई अंदर आग ही सेक रहे थे, तो लकड़ी भी ख़त्म हो गई थी हल्की फुल्की, और कल फिर से संभावना है बर्फ़ आने की। तो अगर
भाई उसकी व्यवस्था करी रहेगी पहले से, तो आ भी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए जो जहाँ हमारी बकरियाँ रहती है, ये देख सकते हैं गौशाला टाइप का, तो इसके अंदर हमारी बकरियाँ रहती है। तो यहीं पर मैं लकड़ी के लिए आया था, यहाँ पर बहुत सारे हमने कच्ची लकड़ियाँ इकट्ठी करी रहती ना, इधर से जंगल से टूट टाट के टूटी रहती, तो उनको इकट्ठे यहाँ हमने जमा कर रहा था। तो मतलब अब ये सूख गए हैं, तो अब ये जलाने लायक हो गए, तो इनको इधर उधर से इकट्ठा करता हूँ यहाँ पे, जहाँ पर भी देख सकते हैं इधर बहुत सारी सूखियाँ लकड़ियाँ हो गई अभी इधर, तो इनको तोड़ ताड़ के कुलाड़ी ला रखा मैंने, तो इनको ले जाऊँगा। तब अगर कल बर्फ आ भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी यहाँ पर मेरे साथ ये घुमक्कड़ देख सकते हैं, ब्लैक डी, तो ये पता नहीं अभी तक कहाँ था, तो यहाँ नीचे पे रास्ते पे इधर आया था, तो मैंने इसको आवाज़ दी, तो ये मेरे साथ आ गया लकड़ी को। तो आजकल देख सकते हो कितना मोटा हो गया, और एक 4-5 महीने पहले की एक वीडियो में देखना कितना छोटा था, और आप देखना कितना मोटा हो गया। इसकी गर्दन ना बड़ी गजब वाली, तो ब्लैक डी ब्लैक डी ब्लैक डी ब्लैक डी। तो ये कर रखी मैंने लकड़ियाँ, और इसको फिर से काटता हूँ, ये देख सकते हैं पूरा सूख रखा। बाकी इधर ये सारी सूखी लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ इधर 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 और बहुत सारी जगह पर इधर एक एक दो दो करके बहुत सारी इधर फैल लगी। बाकी यहाँ है, यहाँ मतलब बकरियाँ रहती है हमारी, अभी तो बकरियाँ जंगल जा रही। बाकी एक ये इसको बोलिए, जो बकरी होती है ना उनके उनका ये ट्रेडिशनल कोट बना रखा, सॉरी। तो इसके अंदर ना भेड़ के बच्चे होंगे, एक दो दिखाता हूँ आपको खोल के। ओ भाई, ओ ये लगा रखा ना ताकि कोई इस दरवाजे को ना खोल सके, जैसे कुत्ते कुत्ते ना बहुत सारे ज्यादा। ये देखो भाई, ये देखो 2-3 नए और कितने मेहमान है। आ जावा, ये भेड़ के बच्चे, हिमालयन सीप 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 सीप, इनकी एक फोटो ले लेता हूँ, मस्त लग रहे ना, बड़े प्यारे लग रहे ये। ओहो हो, अच्छा, हाँ ले ली मैंने फोटो। तो चलो फिर से दरवाजा बंद करते हैं, ब्लैक डी भी देख रहा हूँ उनको। और हाँ एक बात बताना भूल गया, अभी 1:30 बज रहा है और अभी आप इधर बर्फ देख सकते हैं, सुबह कितनी बर्फ थी और अभी सारी बर्फ पिघल चुकी है, लगभग 2-3 इंच बर्फ आई थी होगी। यहाँ ऊपर कहीं नहीं दिख रही, कहीं भी मतलब बर्फ नहीं दिख रहा, उधर उधर ऑल ही साइड दिख रहा हल्का फुल्का उधर, बाकी जहाँ वो बादल लग रखे उसके पीछे तो है ही अभी हो गई, क्योंकि वहाँ ना धूप कम लगती है, तो वहाँ अभी हल्का फुल्का जो क्या बोलते उसको सॉरी हल्का फुल्का नहीं हल्की फुल्की जो बर्फ थी, तो वो अभी वहाँ है। तो कल ना फिर से बर्फ आ सकती है, क्योंकि मौसम पूरा मतलब ऐसा बंद बंद टाइप का हो रखा है। बाकी हमारे गांव में हो रहा मैच वहाँ नीचे, और व्यू देख सकते हैं आप दोस्तों कितना गजब का लग रहा है। अभी सुबह कैसा था मौसम और अभी कैसा हो गया, पूरी बर्फ पिघल चुकी है इधर की, कहीं भी हल्का फुल्का उधर 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 दिख रहा, बाकी सब जगह बर्फ पिघल गई। और यहाँ पर रहा हमारा घर इधर पे, और यहाँ पर रहती है हमारी बकरियाँ। बाकी ये बकरी का जो गोबर होता है, गोबर नहीं गोबर तो मतलब वही समझ लो, गोबर तो ये है, गाय का गोबर ये है। बाकी ब्लैक डी मजे ले रहा, यहाँ नीचे मैच हो रहा ना, तो मैच के मजे ले रहा ब्लैक डी। आवाज़ आ रही मुझे नहीं पता, देखना पड़ेगा जब एडिटिंग करूँगा तभी पता चलेगा। हाँ हल्का सा बर्फ यहाँ पे रह रखा, क्योंकि यहाँ पे धूप कम आती ना, तो इसलिए यहाँ पे हल्की बर्फ है अभी। बाकी ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी करके बहुत सी जगह पे अभी बर्फ ऐसी होगा। कैमरा मत चाट देना, तो कैमरा मत चोड़ दो। तो फाइनली अभी अपनी लकड़ी भी हो चुकी है, ये भारा देख सकते हैं, वैसे ज्यादा तो नहीं है बट कम भी नहीं है। तो अब चलते हैं घर, तो इसके बाद देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी अपना काम हो चुका है, तो अब चलते हैं जरा नीचे मैच देखने, क्योंकि अब मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो थोड़ा चले जाते हैं देख के आते हैं। वैसे भी मैं इससे पहले अभी कभी गया भी नहीं हूँ, तो आज एक बार मैच देख के भी आते हैं। बाकी ब्लैक डी भी आ गया, उसमें वो अपने बर्तन में पता नहीं क्या खा रहा। बाकी ये छोटा डमी इससे बैठा कर सो रखा बेचारा, माजी उठे
आज तुम्हारा भाई भी आ चुका है मैच देखने। तो अभी शायद एक टीम खेल चुकी है मैच और अब उन्होंने टारगेट दिया होगा शायद आज रन नहीं बनाना 52 है शायद 53 बनाना है या फिर 51 बना रहे उन्होंने 52 बनाना है तो अभी कमेंट में पता चल जाएगा। तो अब लेते हैं जरा मैच की मजे। तो मैं भी इस साल का अभी पहली बार मैच देखने आया हूँ छोटे बच्चे अकेला बैठ रखा बाकी दर्शक लोग देख सकते हो आप कुछ इधर पे बैठ रखे और कुछ इधर छत में बैठे हुए हैं और बाकी कुछ यहाँ पर है और ये रहा पिच। तो जरा अब हम भी लेते हैं मैच के मज़े। यहाँ पर आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब हम बचपन में स्कूल थे ना उधर हमारे स्कूल उधर है तो यहाँ पर हम अखरोट खाने आए रहते ये दो अखरोट के पेड़ है तो जो ये अखरोट है ये काफी मस्त होता है। एक आसान से कैच पहली गेंद टोली सफलता सुंदर से कैच आते तो अभी यहाँ पर मतलब जैसे मैंने कैमरा ऑन किया तो पहली गेंद पे पहला विकेट निकल चुका है इनका और रन भी वैसे इनको कम ही बनाने हैं फिर भी इनको ऐसी विकेट लेने पड़ेंगे तब जाके वो मतलब मैच अपने हाथ में कर सकते हैं। तो फिर देखते हैं पहली गेंद पहली सफलता तो आप कमेंट्री सुन सकते हैं सरजीत तैयार बिना खाता खोले आउट सरजीत तैयार काफी सुंदर कैच। एक और विकेट हो चुका है दोस्तों अभी तीन बॉल हो रही है और ये जो व्हाइट शर्ट वाला जो बंदा दिख रहा है बॉलर तो उसने तीन बॉल में दो विकेट ले लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी खुश लग रहे जो मतलब वैसे रन तो उन्होंने उतने तगड़े नहीं बनाए हैं बट अभी जब दो विकेट निकल चुके हैं इनके तीन बॉल में तो काफी खुश लग रहे इधर देख सकते हैं ना दो बॉल में दो विकेट फ्री हिट का चांस है भाई को। तो देखते हैं अभी तो अभी यहाँ पे फ्री हिट का चांस है तो देखते हैं भाई बॉलर एक विकेट ले पाता है या नहीं ले पाता है। तो ये दौड़ा यहाँ पर ऑफसाइड बाउंड्री की तरफ चार रनों के लिए तो भाई एक चौका मारने के बाद भाई का विकेट हो चुका है मतलब अभी पांच बॉल हो रही भाई की और तीन विकेट ले लिए भाई ने। तो ये है हमारे भाई बॉलर यहाँ पर पांच रन पारी का पहला ओवर नहीं शायद ओवर हो गया पहला ओवर और तीन सफलता हाँ तीन विकेट हो रहे हैं एक ओवर कंप्लीट हो गया और पांच रन बनाए दिए भाई ने सॉरी तो दोस्तों अभी आ चुका हूँ मैं घर पे मैच देखे तो अभी करते हैं ये व्लॉग को यहीं पे एंड और ये रहा ब्लैक डी आज वीडियो इन करते हैं ब्लैक डी के साथ तो करते हैं ये व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग काफी ज्यादा पसंद आया होगा और पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है लाइक करना है शेयर करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल कर देना है सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय वज्रशाल वंदे मातरम। तो ठीक है।